हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मेथड क्या है जिससे कि हम अगर वाई हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई अगर एक्स की फॉर्म में फंक्शन कोई गिवन है तो उससे हम कोई रिलेशन जो कि वाई के एन प्लस टू टाइम डेरिवेटिव, वाई के एन प्लस वन टाइम डेरिवेटिव इट मीन्स वाई एन प्लस वन और एन एथ डेरिवेटिव वाई एन की फॉर्म में क्रिएट किया जा सके। मीन्स कई एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिया होता है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स का फंक्शन गिवन होगा और एक रिलेशन प्रूफ करना होगा जो वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस वन और वाई एन की फॉर्म में होगा। तो वो रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम क्या वर्किंग रूल, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, राइट द गिवन फंक्शन एज y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो भी फंक्शन x का गिवन है उसको हम y के इक्वल कंसिडर कर लेंगे, इस फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे। स्टेप टू, फाइंड y1। हम y1 फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स dy by dx फाइंड आउट करेंगे। जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसका दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके वन टाइम डेरिवेटिव y1 फाइंड आउट कर लेंगे। देन कन्वर्ट वैल्यू ऑफ y1 इन टर्म्स ऑफ y, मीन्स जो भी y1 आपने फाइंड आउट किया वन टाइम डेरिवेटिव उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा ज़रूर होगा अगर है जो y की फॉर्म में, जैसा y है फंक्शन उसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, तो कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन उसको y से रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। देन रिमूव स्क्वायर रूट बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायर रूट है तो उसको y1 की वैल्यू में कहीं स्क्वायर रूट दिख रहा है तो उसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रिमूव करेंगे स्क्वायर रूट को। नेक्स्ट फिर स्टेप अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड। फिर दोबारा से जो स्टेप टू में रिजल्ट आया y1 का वैल्यू जो आई उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे अगेन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x और फाइंड कर लेंगे। उससे हमें एक रिलेशन मिल जाएगा किसकी फॉर्म में, y2 की फॉर्म में, y1 की फॉर्म में एंड y की फॉर्म में, y1 y2 और y की फॉर्म में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमें स्टेप फोर पर जाना है क्योंकि हमें मैक्सिमम रिलेशन कितने टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम रिलेशन वाई एन प्लस टू, मीन्स एन प्लस टू टाइम मैक्सिमम डेरिवेटिव करना है। और स्टेप थ्री तक हम मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव कर चुके होंगे, टू टाइम तक कर चुके होंगे। तो अगेन हमें कितने टाइम और करना होगा मैक्सिमम एन प्लस टू टाइम मिल जाने के लिए डेरिवेटिव, एन टाइम और करना होगा। तो स्टेप थ्री से जो रिजल्ट आया उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे एन टाइम्स बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी स्टेप थ्री से रिजल्ट आया किसका यूज करते हुए, यूजिंग लेबनीज थ्योरम का यूज करते हुए। तो इस तरीके से हमें तीन ये चारों स्टेप अप्लाई करने के बाद हमें एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन होगा जिसे हमें प्रूफ करना होगा किसकी फॉर्म में, वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस वन एंड वाई की फॉर्म में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल्स टू जीरो। तो ये रिलेशन हमें यहां पर प्रूव करना है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स गिवन है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, मेथड डिस्कस किया था, स्टेप्स डिस्कस किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था गिवन राइट गिवन फंक्शन एज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वो तो हमें गिवन है। तो स्टेप फर्स्ट में हम ये स्टेप लगा देते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड dy by dx जिसे हम y1 से डिनोट करेंगे, मीन्स दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और dy by dx फाइंड आउट कर लेंगे। तो करते हैं स्टेप टू अप्लाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो यहाँ पर हमारा y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू गिवन है ये, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, दैट मीन्स हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी जिसे हम dy by dx वन टाइम डेरिवेटिव है तो y1 से डिनोट करेंगे। तो y1 इज इक्वल टू dy by dx इक्वल्स टू फाइंड आउट हो जाएगा d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर a साइन इनवर्स
x, तो e टू द पावर a साइन इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब हम e टू द पावर a साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो जैसे ही हम e टू द पावर देखें तो हमें फार्मूला याद आना चाहिए कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा। पर ये चेन रूल के अकॉर्डिंग यहां पर x अगर नहीं है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको x ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x के फार्मूले से। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होता है, तो x की प्लेस पर क्या है यहां पर a साइन इनवर्स x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग जो x की प्लेस पर है फिर उसका फिर से प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आता है किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो x की प्लेस पर यहां पर e की पावर में क्या दिख रहा है हमें, a sin inverse x, तो a sin inverse x का भी डिफरेंशिएशन आ जाएगा प्रोडक्ट में, ये चेन रूल कहता है। अभी इसका e टू द पावर a sin inverse x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है फंक्शन के साथ तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर प्रोडक्ट में आ जाता है। तो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x हम इसे लिख सकते हैं, इक्वल टू e टू दी पावर a साइन इनवर्स x, और a साइन इनवर्स x का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है यार प्यारे दोस्तों, y1 फाइंड आउट हो जाता है। तो y1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या फाइंड आउट हो गया, a e टू दी पावर a साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है e टू दी पावर a साइन इनवर्स x, ये एज इट इज हमारी किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, और स्टेप हमारा 2 यही कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, y1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर कन्वर्ट करो वैल्यू ऑफ y1 इन टर्म्स ऑफ y, y1 की वैल्यू को y की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो पार्ट y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये वैल्यू एज इट इज y के इक्वल है e टू दी पावर a साइन इनवर्स x के, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि y बराबर किसके इक्वल गिवन था, e टू दी पावर a साइन इनवर्स x, ये हमें गिवन था, तो हमने इसका यूज कर लिया। ठीक है, अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोल रहा था, नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, स्टेप 3 के अकॉर्डिंग अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x एंड फाइंड अ रिलेशन y2 y1 एंड y1 की फॉर्म में। बट उससे पहले रिमूव स्क्वायर रूट का स्टेप है बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर ये हमें y1 की वैल्यू फाइंड आउट हुई है कितनी, y1 इज इक्वल टू a y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y1 स्क्वायर के फॉर्म में एक रिलेशन मिल गया है हमने। अब क्या करना है, अपॉन में कुछ टर्म दिख रही है तो नेक्स्ट टाइम एक और डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हमने डिफरेंशिएशन इजी हो जाए इसके लिए रिफ्रैक्शन रिमूव करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था, स्टेप 3 पर जाएंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन वाई टू वाई वन एंड वाई। तो अगेन स्टेप 3 पर चलते हैं, स्टेप 3 अगेन डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो इक्वेशन वन हमारी आई है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग यहां देख रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर, ये दो टर्म्स की प्रोडक्ट बन गई है, और इधर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग टू फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा पावर फार्मूले से पहले पावर मल्टीप्लाई में 2y, देन y का फिर से होगा चेन रूल से dy वाई बाय डी। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है, इसको अगेन सॉल्व करेंगे, आगे प्रोडक्ट रूल लगा चुके हैं हम, इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, ये 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई वन, और ये वाई वन मिस डी वाई बाई डी एक्स है, और उसका अगेन डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिस वाई का 2 टाइम डिफरेंशिएशन बना, तो इसे हम वाई टू लिख सकते हैं। फिर प्लस वाई वन स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 1 का हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू टू वाई वाई वन। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई वन वाई टू माइनस
टू एक्स वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू टू वाई वाई वन, ये रिलेशन आ जाएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं हर एक एक्सप्रेशन में टू वाई वन इन्वॉल्व है, तो हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू वाई वन, तो जब हम टू वाई वन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपकी रह जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, माइनस टू वाई वन से डिवाइड किया तो रह जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू वाई वन से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर वाई, ये एक्सप्रेशन आपका आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारा स्टेप थ्री कंप्लीट होता है। अभी स्टेप फोर क्या कहता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिलेशन कितने टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में फाइंड आउट करा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव एन प्लस टू की, तो यहाँ पर जो रिलेशन फाइंड आउट हुआ है ये किसकी फॉर्म में फाइंड आउट हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई टू, टू टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। तो कितने टाइम डेरिवेटिव और करना होगा, एन प्लस टू की फॉर्म में डेरिवेटिव निकालना है तो टू टाइम ऑलरेडी है, तो कितने टाइम और करना होगा, एन टाइम्स और करना होगा। तो अभी अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। तो करते हैं जरा, एन टाइम्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पर हमारी हर एक टर्म में टर्म वाइज डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू फर्स्ट टर्म है, इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एन टाइम डिफरेंशिएशन को डी से डिनोट कर रहे हैं हम, डी मीन्स डेरिवेटिव और एन पावर मीन्स एन टाइम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ इस पर भी डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स वाई वन पर माइनस ए स्क्वायर एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इक्वल्स टू एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर एन टाइम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं ये वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू का एन टाइम हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो ये दिख रहा है हमें कि कितने टर्म्स की प्रोडक्ट है, टू टर्म्स की प्रोडक्ट है। और जब भी टू टर्म्स की प्रोडक्ट का एन टाइम डिफरेंशिएशन करना हो तो हमने डिस्कस किया था कि टू टर्म्स की प्रोडक्ट का एन टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें ये यूज़ करना होगा लेबनीज़ थ्योरम। एक बार लेबनीज़ थ्योरम का फिर से देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया था लेबनीज़ थ्योरम में, लेबनीज़ थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास टू टर्म्स की प्रोडक्ट है, यू ओ इंटू वी, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है जिसमें से एक यू है और दूसरा वी है, तो उसका प्रोडक्ट का एन टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए फार्मूला अप्लाई होगा लेबनीज़ थ्योरम से, एन सी जीरो एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी एज इट इज प्लस एन सी वन एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी का वन टाइम डिफरेंशिएशन, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म में एन सी टू एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी का टू टाइम डेरिवेटिव प्लस सोन, ऐसी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू का डिफरेंशिएशन एन टाइम से स्टार्ट हुआ फर्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म में एक टाइम डिक्रीज हो गया एन माइनस वन टाइम हो गया, नेक्स्ट टर्म में एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएशन हो गया यू का, तो इस तरीके से लगातार यू का डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी टर्म यानी कि वी का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म में विदाउट डेरिवेटिव था, वी एज इट इज था, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंशिएशन हो गया, जो भी वी फर्स्ट टर्म में आ रहा था उसका ही डिफरेंशिएशन वन टाइम हो गया डी वी, नेक्स्ट टर्म में अगेन डिफरेंशिएशन हो गया डी वी का यानी कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं वी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है, पहले विदाउट डेरिवेटिव था फिर वन टाइम फिर टू टाइम फिर थ्री टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो वी का डिफरेंशिएशन लगातार बढ़ेगा और यू का डिफरेंशिएशन टर्म वाइज लगातार एक एक डिक्रीज होता चला जाएगा, और एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ये प्रोडक्ट में आएंगे टर्म वाइज। यहाँ पर अब याद रखना है लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते समय हमें वी उसे कंसिडर करना है जो कि फंक्शन किस फॉर्म में हो, एक्स की पावर एन की फॉर्म में हो, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टाइम बाद जीरो हो जाना श्योर हो उसे हमें वी कंसिडर करना है। तो यार यहाँ पर प्यारे दोस्तों हम देख रहे हैं कि दो टर्म्स की प्रोडक्ट ही बन रही है ए जिसका हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है एन टाइम, तो इसमें से वी किसे कंसिडर करें जिसका डिफरेंशिएशन हमें श्योर हो रहा हो कि कुछ टाइम बाद जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन माइनस एक्स स्क्वायर है जो जिसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, दूसरी बार करेंगे तो माइनस टू आएगा, तीसरी बार जीरो हो जाएगा, तो इट मीन्स इस पूरी टर्म को हम वी कंसिडर कर लेंगे क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट का एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो एक को यू और एक को वी लेना होगा। तो मैंने अभी बताया वी उसे कंसीडर करना है जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टाइम बाद जीरो हो जाने वाला है, तो इसका वी इसका जीरो हो जाने वाला है इसलिए हमें वी लेना होगा, और ये दूसरा फंक्शन जो बचा वो हमारा यू हो जाएगा। तो लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला एन सी जीरो एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ यू, यू की प्लेस पर हमारा क्या है यहां पर
वाई टू इन टू वी एज इट इज, वी हमारा क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन इन टू, इसका डिफरेंशिएशन यू का एक बार डिक्रीज हो जाएगा, पहले एन टाइम था फर्स्ट टर्म में अब एन माइनस वन टाइम हो जाएगा, यू की प्लेस पर क्या है हमारा वाई टू इन टू, इसका डिफरेंशिएशन इंक्रीज हो जाएगा मीन्स एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये डी वी हो जाएगा, यहाँ पर ये वी था तो यहाँ पर ये डी वी हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका माइनस टू एक्स आ जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म में करेंगे तो एन सी जीरो आया फर्स्ट टर्म, फिर एन सी वन आया, फिर एन सी टू आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा एन सी टू, और नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर आप देख रहे हैं y का डेरिवेटिव y2 का पहले टर्म में n टाइम था, दूसरी टर्म में n माइनस वन टाइम हो गया, अब कितना टाइम होना चाहिए n माइनस टू टाइम, एक और डिक्रीज हो जाएगा n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 इन टू, यहाँ पर इसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा मीन्स ये dv था, अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वी मीन्स इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स का करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों माइनस टू आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप अगर इसी पैटर्न को देखें तो इसका डिफरेंशिएशन एक और इंक्रीज होगा यानी कि डी क्यूब वी आएगा, और आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट है माइनस टू, तो नेक्स्ट टर्म में जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो प्लस जीरो कोई भी टर्म लिखें तो कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो प्लस करने पर तो वही का वही आएगा, और उसके बाद जितने भी जीरो के डिफरेंशिएशन होंगे सब जीरो हो जाएंगे, इट मीन्स यहाँ पर ही ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इस टर्म का एन टाइम डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है, अभी नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं माइनस, आप यहाँ पर देख रहे हैं फिर से दो टर्म की प्रोडक्ट है x इंटू वी वन वाई वन है, तो इसमें जैसे ही दो टर्म की प्रोडक्ट का एन टाइम डिफरेंशिएशन देखें तो हमें डिसाइड कर लेना है कि ये लेबनीज से होगा, लेबनीज से होगा तो किसी एक पार्ट को v कंसिडर करना होगा, और हम जानते हैं दो फंक्शंस में से v उसे कंसिडर करते हैं जिसका कुछ टाइम बाद जीरो डिफरेंशिएशन होना श्योर हो, तो हमें पता है x का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे वन आएगा, दूसरी बार करेंगे तो वन का फिर से करने पर जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको ही v ले लेते हैं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन दो बार में जीरो हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा वो जो है वो फंक्शन हमारा u हो जाएगा। अभी हम इस पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, द लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, फार्मूला क्या कहता है, एन सी जीरो एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, u की प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है y1 वन इंटू वी एज इट इज दैट मीन्स x एज इट इज, फिर प्लस फार्मूला क्या कहता है एन सी वन, ये जो n टाइम डिफरेंशिएशन जिसका क्या है यानी कि y1 का, ये एक डिक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 हो जाएगा, इसका एक टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म में इसका डिफरें ये v था आपका x, और इसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाने वाला है dv, यानी कि डिफरेंशिएशन वन टाइम हो जाएगा, तो x का वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, नेक्स्ट स्टेप में वन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू कुछ भी आएगा तो वो सब क्या हो जाएगा जीरो, इट मीन्स आगे सभी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो यहीं पर ही डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, टर्म क्या है यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर इंटू एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ये आपका है इक्वल्स टू एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो, जीरो का कितने बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो तो जीरो ही आता है, तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में आपका वैल्यू क्या है एन सी जीरो, एन सी जीरो मैंने आपको बताया था वो किसके इक्वल होती है वन के इक्वल, और ये वाई टू है, वाई टू मीन्स वाई का टू टाइम डिफरेंशिएशन, और ये डी टू दी पावर एन है मीन्स फिर उसका एन बार डिफरेंशिएशन, तो टोटल वाई का मिलाकर कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया एन टाइम्स ये है और टू टाइम्स ये है, तो टोटल मिलाकर एन प्लस टू टाइम हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे वाई के एन प्लस टू टाइम को हम डेरिवेटिव को हम वाई एन प्लस टू से डिनोट कर देंगे इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन की वैल्यू, एन सी वन की वैल्यू किसके इक्वल होती है n into, अब इसके इसको देखते हैं ये है y2 means y का 2 time derivative और उसके बाद n minus 1 time और कर रहे हैं तो total मिलाकर कितने time हो गया n minus 1 time plus 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n minus 1 plus 2, तो आप देख सकते हैं किसके को लाएगा n plus 1 के, तो ये y का कितने time derivative हो गया total n plus 1 time, तो इसे y n plus 1 से denote करेंगे into minus 2x ये वाली value प्लस एन सी टू की वैल्यू किसके इक्वल होती है वो मैंने बताया था आपको एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखें तो ये किसके इक्वल होगा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये वाई टू ऑलरेडी था और एन माइनस टू टाइम और डेरिवेटिव हो रहा है तो टोटल कितने टाइम हो गया एन माइनस टू पहले से ही था प्लस टू तो टू से टू कैंसिल टोटल कितने टाइम हुआ एन टाइम तो ये वाई का कितने टाइम डेरिवेटिव हो गया एन टाइम इट मीन्स वाई एन हो जाएगा इन टू माइनस टू। ठीक है फिर माइनस माइनस ये वाली टर्म देख लेते हैं माइनस
NC0 किसके इक्वल होता है, 1 के, मैंने आपको बताया था। Y1 का n टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, Yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस NC1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n के, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इंटू यहाँ पर Y1 का n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव कितना होगा, टोटल ऐड कर दो इन्हें, n माइनस 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, n टाइम इट मीन्स Y1 आ जाएगा इंटू 1, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई का एन टाइम डिफरेंशिएशन yn इक्वल्स टू 0। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो फर्स्ट टर्म आपकी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू yn प्लस 2, टर्म्स को कलेक्ट करके लिखते हैं, अभी n प्लस 1 वाली टर्म्स को कलेक्ट करके एक साथ लिख लेते हैं, तो एक ये टर्म हो गई माइनस 2n x yn प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आ गई, और yn प्लस 1 की फॉर्म में एक और एक्सप्रेशन आपको ये दिख रही है, तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स वाई एन प्लस 1। अब हम वाई एन की फॉर्म में एक्सप्रेशन देखते हैं, तो वाई एन की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन यहाँ से आएगा, तो 2 से 2 आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस 1 रह जाएगा, तो सॉल्व करके माइनस एन इंटू एन माइनस 1 वाई एन आ जाएगा, ठीक है। और वाई एन की और कौन सी एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन आएगी माइनस एन वाई एन, तो माइनस एन वाई एन ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। और भी कौन सी एक्सप्रेशन है, एक ये है माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। अभी इनमें टर्म्स को कलेक्ट करके जो हमने लिखा है इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो हम कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों टर्म में से हम देखें तो एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है और माइनस साइन भी कॉमन है, तो माइनस साइन कॉमन और एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2n और यहाँ से रह जाता है हमारा प्लस 1, तो एक्स वाई एन प्लस 1 हमारा कॉमन हो गया। अभी यहाँ पर देखें तो वाई एन वाली टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों में माइनस वाई एन कॉमन है, तो माइनस वाई एन अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचा, एन इंटू एन माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, एन स्क्वायर माइनस एन, इसमें से माइनस वाई एन कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस का एन, यहाँ से माइनस वाई एन हम कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा, प्लस का ए स्क्वायर, और इंटू हमने माइनस कॉमन पहले ही लिख लिया है, अभी वाई एन और कॉमन लिख लिया वाई एन, ठीक है, वाई एन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन से n कैंसिल आउट हो रहा है आपका, तो ये क्या रह जाता है, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है जो कि वाई एन प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो हमें रिक्वायर्ड था वही हमारा प्रूफ हो चुका है, तो ये रिलेशन हमें प्रूफ हो चुका है, यानी कि ये हैंस प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्टेप्स अप्लाई करते हुए किसी भी क्वेश्चन को इजीली रिलेशन जिसमें वाई एन प्लस 2 की फॉर्म में फाइंड आउट प्रूफ करना हो वो हम कर सकते हैं, अगर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें गिवन है तो, ठीक है। इन स्टेप्स को आपको बस फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई आपको लगता है कि यहाँ पर कोई स्टेप में कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से चलाकर आप देखेंगे एक दो बार, तो आपको ये स्टेप पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज की टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं।